और आज का हमारा टॉपिक है सेल थेरेपी कैंसर से मुक्ति। और ये नाम और ये शो इसलिए क्योंकि कैंसर के इलाज में भारत अब एक बड़ी कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है। टी सेल थेरेपी से इसके इलाज में अमेरिका में 4 से 5 करोड़ रुपए का खर्च आता है, मगर देसी फार्मा कंपनियां और स्टार्टअप इस इलाज को 20 से 30 लाख रुपए में कराने की कोशिश में जुटी हैं। आज हम इसी पर डिटेल में बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर टी सेल थेरेपी है क्या, ये किस स्टेज में दी जा सकती है ये थेरेपी, इसके इलाज में जो खर्च आएगा क्या वाकई हम अमेरिका से 10 गुना सस्ते दर पर यहाँ पर इलाज करवा पाएंगे, भारत में टी सेल थेरेपी से कैंसर का सस्ता इलाज कब तक सुलभ हो पाएगा, इन तमाम मुद्दों पर हम डिटेल में एक्सपर्ट से समझेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। कैंसर में खासकर ब्लड कैंसर के इलाज में कीमोथेरेपी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट कल की बात होगी। कार टी सेल थेरेपी इस बीमारी के इलाज में रामबाण साबित हो रहा है। दुनिया भर में चल रहे क्लिनिकल ट्रायल में आखिरी स्टेज वाले कैंसर मरीजों पर इसके चमत्कारी रिजल्ट सामने आए हैं, लेकिन ये थेरेपी बेहद महंगी है। अमेरिका में इसका खर्च करीब 4 से 5 करोड़ रुपए आता है, वहीं भारत में इसके जरिए इलाज की सुविधा नहीं के बराबर है। ऐसे में भारतीय फार्मा कंपनियां और स्टार्टअप कैंसर का सेल थेरेपी से इलाज अमेरिका के मुकाबले केवल 10% खर्च में मुहैया कराने की तैयारी में है। समझते हैं कि आखिर क्या है कार टी सेल थेरेपी, कैसे ये मरीजों पर काम करती है। दरअसल कार यानी काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी को ही छोटे रूप में कार टी सेल थेरेपी कहते हैं। ये वो टी सेल्स हैं जिनसे जीन इंजीनियरिंग के जरिए कृत्रिम टी सेल्स तैयार की जाती हैं। ये टी सेल्स इम्यूनोथेरेपी में इस्तेमाल की जाती हैं। सेल्यूलर इम्यूनोथेरेपी में मरीज की प्रतिरक्षा कोशिकाओं का इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें शरीर से बाहर अनुवांशिक रूप से बदलाव किया जाता है और दोबारा मरीज के शरीर में डाल दिया जाता है। इसके नतीजे कुछ सप्ताह में दिखने लगते हैं और कई साल तक बने रहते हैं। भारत की फार्मा कंपनियां और स्टार्टअप इस पर तेजी से काम कर रहे हैं, जिसमें सरकार की बायोफार्मा मिशन, IIT बॉम्बे, डॉक्टर रेड्डीज लैब, हैदराबाद की इम्यूनो एक्ट और कुछ स्टार्टअप शामिल हैं। जिस तेजी से इस पर काम चल रहा है उसे देखते हुए 2 साल के भीतर भारत में कार्ट सेल थेरेपी से इलाज शुरू करने की संभावना बन सकती है। इससे पहले देश में पहली बार पिछले साल जून में मुंबई के टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में कार टी सेल थेरेपी के जरिए सफल इलाज किया गया था। इसमें भी कार टी सेल्स को डिजाइन और मैन्युफैक्चर करने का काम IIT बॉम्बे ने किया था। लेकिन चुनौती यही है कि कैसे इलाज के खर्च को 30 लाख रुपए तक लाया जाए। ऐसे में अगर ऐसा हुआ तो इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत मेडिकल टूरिज्म का हब बन जाएगा। खूबी की बात करें तो कीमोथेरेपी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट के जरिए इलाज में जहां 3 या इससे अधिक साल लग जाते हैं, तो वहीं कार्ट थेरेपी से महज 3 हफ्ते में इलाज संभव है। भारत में एक और वजह से कार्ट थेरेपी बेहद कारगर होगी, क्योंकि यहां हर साल कैंसर के करीब 12 लाख मामले सामने आते हैं। इसमें करीब 7.5 लाख मरीजों की मौत हो जाती है, लेकिन भारत में कार टी सेल थेरेपी के सस्ते इलाज मिलने से कैंसर के अधिक से अधिक मरीजों की जान बचाई जा सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।